अच्छा जी, तो अभी हमने जो क्लास ली थी उसकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रहा था कि वॉइस रिकॉर्डिंग अपना हो रही है, तो हमारे पास जो है वो पाइथन के अंदर सिंपली हम जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे जाकर लिखते हैं प्रिंट वेलकम टू पाइथन। और इससे होगा ये कि गूगल कोलैब जो है वो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा वेलकम टू पाइथन। इसको रन करने के लिए आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर सकते हैं, या जो ये ब्लैक आपको आइकन नजर आ रहा है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। पहली दफा जब आप इसको रन करेंगे तो गूगल कोलैब जो है वो उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, और एलोकेट करने के बाद उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो देख लें आपको जो आउटपुट नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है वेलकम टू पाइथन। अच्छा, अब इसके अंदर बड़े आराम से आप गूगल कोलैब के अंदर दो तरह के सेल्स बना सकते हैं, या तो कोड वाले या टेक्स्ट वाले। अगर आप टेक्स्ट बना लें तो उसमें आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसमें आप डिटेल डिस्क्रिप्शन अपनी बता सकते हैं कोड से रिलेटेड। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू कोर्स पाइथन कोर्स, और इसमें जनाब हम चाहें तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं ये करता हूँ कि इस टेक्स्ट को जो है बोल्ड कर देता हूँ, या इटैलिक कर देता हूँ, या इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ। डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और एज अ हेडिंग इसको हम इस्तेमाल करके यहाँ पे मजीद चीज़ें भी ऐड करवा सकते हैं। जो भी नॉर्मल फॉर्मेटिंग रिलेटेड टास्क होते हैं वो आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर मैं ये करूँ कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पाइथन को एज अ हेडिंग डिस्प्ले करना चाहूँ तो हैश इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिर उसकी सब हेडिंग जो है वो डबल हैश हो जाएगी। फिर अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम प्लस बी प्रेस कर देता हूँ तो ये फिर नेक्स्ट सेल पे आ जाएगा ऊपर वाले टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के बाद। नेक्स्ट सेल जो है उसको आइदर मैं कोड बना सकता हूँ, टेक्स्ट बना सकता हूँ। कंट्रोल प्लस एम प्लस बी जो है वो जो भी हमारा सेल होता है उसको वो टेक्स्ट सेल में कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता है। हैश हो गया या स्टैरिक वगैरह आपने लिखा है तो वो उस पर अप्लाई हो जाता है। पाइथन का एक्सटेंशन है वो डॉट पाई होता है, लेकिन गूगल कोलैब पे काम करते हुए असल में हमें IPYNB एक्सटेंशन मिल जाती है। इस पे जब काम करते हैं तो फिर इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर डाउनलोड करने के बाद फिर इसको हम दोबारा ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी डॉट पाई फाइल आप अगर डाउनलोड कर लें तो डाउनलोड करने के बाद फिर आप इसको किसी भी और एडिटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कोई इशू नहीं। फिर ये जो डाउनलोड कर लिया तो उसको फिर आप ओपन कर लें अपलोड करके दोबारा यूज करते हैं। मैं भी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ, एक दफा हम ये फाइल बना लेते हैं। मैं आपके साथ ये IPYNB फाइल ही शेयर करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हमने प्रिंट करवा लिया वेलकम टू पाइथन। और फिर मजीद ये कि आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की चीजें जो है जब भी हम लैंग्वेज स्टडी करना शुरू करते हैं तो उसको स्टडी करते हुए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जब भी कोई लैंग्वेज आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उस लैंग्वेज को पढ़ते हुए उस लैंग्वेज के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि लैंग्वेज फंडामेंटल्स कहलाते हैं। अच्छा, अब ये जो लैंग्वेज फंडामेंटल्स हैं उसमें बेसिकली इनिशियली लैंग्वेज का सिंटेक्स देखा जाता है कि लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या है, किस तरीके से वो लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और उस लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें है। मिसाल के तौर पे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ हमारे पास
आइट्रेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, और फिर हमारे पास बहुत सारे और चीज़ें अवेलेबल होती हैं हर लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम देखते हैं और देख के इस्तेमाल करते हैं। तो सिंटैक्स यही है कि जो भी कोड लिखा जा रहा है वो उस लैंग्वेज की ग्रामर के हिसाब से है या नहीं है, वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं, फिर वो टाइप आपस में किस तरीके से इंटरचेंज हो सकती हैं, फिर हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो भी उस लैंग्वेज के अंदर होते हैं, वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबसे पहले हम देखते हैं। फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इफ़ एल से, एल इफ होता है पाइथन के अंदर, एल से जो हमारी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उसमें बाज़ औक़ात हम डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो ये सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। फिर आइट्रेशंस हैं जिसमें हम लूप्स वगैरह, एक ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो तो उसमें फॉर का लूप है, वाइल का लूप है, डू वाइल का लूप है, ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इनको इस्तेमाल करके बेसिकली एक ही लाइन को बार बार डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम प्लस बी प्रेस किया तो ये गूगल कोलैब ने जो है वो हमारे लिए एक टेक्स्ट सेल बना दिया जिसमें डिपेंडिंग ऑन आवर हैश, एक हैश है, दो है या तीन है, उसने हेडिंग्स बना ली, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री। अब नेक्स्ट सेल पे आके मैं कंट्रोल एम प्लस बी प्रेस करके नेक्स्ट सेल पे आ गया, कोड सेल है मेरा ये, यहाँ मैं अपना कोई कोड लिख सकता हूँ। जैसे मैं कोई वेरिएबल वगैरह बनाना चाह रहा हूँ तो मैं वेरिएबल बना सकता हूँ, तो अब बेसिकली जो हमारे पास पाइथन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे हमारे पास जो बेसिक्स डेटा टाइप हैं वेरिएबल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वेरिएबल क्या होता है, एनीथिंग विच कैन वेरी इज वेरिएबल। तो वेरिएबल अगर हमें बनाने हैं तो अगर मैं सिंपली पाइथन के अंदर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे आई इक्वल्स टू 10, आई एक वेरिएबल है और 10 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, आप लिखें प्रिंट आई, तो ये क्या करेगा कि आई को प्रिंट कर देगा और उसका आउटपुट आपको नजर आ जाएगा 10, क्योंकि आई में 10 स्टोर है। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो आई की टाइप चेक कर सकते हैं कि आई की टाइप क्या है, उसके लिए आप टाइप का एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन है, आपने लिखा प्रिंट टाइप आई, तो ये करेगा ये कि आई की टाइप प्रिंट कर देगा जो कि इंटीजर। इंटीजर एक डेटा टाइप, वेरिएबल्स पाइथन के अंदर जो है वो इंटीजर टाइप के होते हैं या फ्लोट टाइप के होते हैं। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे इंटीजर की बात करता हूँ तो इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे इंटीजर आपको पता है क्या है, ये ऐसे नंबर है जिसमें फ्रैक्शन नंबर, फ्लोटिंग नंबर स्टोर नहीं हो सकते, कोई भी नंबर स्टोर करना है 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, तो इसके लिए आप इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। करना कुछ नहीं होता, वेरिएबल का नाम लिख के आप उसके आगे एक इंटीजर वैल्यू रखते हैं तो पाइथन खुद ही कंसिडर कर लेता है कि ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। इसके मुकाबले में अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिख दूँ जैसे कि 2.5, तो 2.5 को पाइथन एक फ्लोट डेटा टाइप कंसिडर करता है। अगर हम यहाँ पे जे की टाइप को प्रिंट करवाएं तो हमें पता ये चलेगा कि फ्लोट डेटा टाइप है ये, और फ्लोट से मुराद ये कि इसमें कोई फ्रैक्शन नंबर स्टोर होगा 2.5, 3.5, 2.1, 3.4, समथिंग, इस तरह की कोई भी वैल्यू अगर हमें स्टोर करवानी है, होता ये भी नंबर है लेकिन फ्लोट नंबर होता है, तो ये दूसरी डेटा टाइप होती है हमारे पास जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलबत्ता आप फ्लोटिंग नंबर भी स्टोर करेंगे, इसमें अगर आप 2 स्टोर करेंगे तो वो 2.0 होगा, 3 स्टोर करेंगे तो वो 3.0 होगा, फिर आप 3.05, 3.01, इस तरह डिफरेंट वैल्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है ये देखें, दोनों जो डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, चाहे वो इंटीजर है या चाहे वो फ्लोट है, ये दोनों हैं नंबर्स। तो इनको हम कहेंगे ये कि ये नंबर्स को स्टोर करने के लिए पाइथन में हमारे पास ये दो तरीके हैं, आइदर आप इंटीजर वेरिएबल बना लें या आप फ्लोट वेरिएबल बना लें। नंबर्स के साथ साथ बाज़ औक़ात हमें कैरेक्टर्स स्टोर करने होते हैं। इक्वल्स ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसका काम ये होता है कि ये राइट हैंड साइड पे जो कॉन्स्टेंट होता है या वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है। जैसे 10 जो है वो आई को असाइन होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे 10 ऑपरेंड कहलाएगा, ये जो इक्वल्स टू है या असाइनमेंट ऑपरेटर है, आई वेरिएबल है, इसको हम जनाब कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंगल इक्वल्स टू, ये ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल्स टू के लिए डबल इक्वल्स टू इस्तेमाल होता है, वो भी थोड़ी देर में हम देख लेंगे। तो जनाब हमारे पास जो है वो एक ये वेरिएबल है आई इक्वल्स टू 10, जिसको हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया। इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि जिस तरह की वैल्यू है उस हिसाब से उसको डेटा टाइप असाइन कर दे। आई हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप है, जबकि जे हमारे पास एक फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है जी, और डेटा टाइप हमारे पास होती है, और वो क्या है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल बनाया एस के नाम से, और उसमें मैंने लिख दिया वेलकम टू पाइथन। तो एस जो है अगर आप उसको प्रिंट करा के उसका आउटपुट चेक करेंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग आपको नजर आ जाएगी, वेलकम टू पाइथन। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाती है। अगर आप इसको टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करके एस की टाइप चेक करेंगे तो पता आपको ये चलेगा कि ये एसटीआर या स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप नंबर्स के मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट डेटा टाइप होती है। ये कैरेक्टर्स होते हैं, यानी बेसिकली आप जो है वो करते ये हैं कि कोई हमें वर्ड स्टोर करना है, कोई सेंटेंस स्टोर करना है, पैराग्राफ स्टोर करना है, कोई भी इस किस्म की चीज जिस पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। और लेंथ इसकी कोई डिफाइन नहीं होती है, जितनी वैल्यू आप दे देते हैं उतने साइज खुद ही खुद इसकी लेंथ जो है वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अभी वेलकम टू पाइथन पूरा एस लिखेंगे तो पूरा प्रिंट हो जाएगा। अलबत्ता ये कि इसमें आप अगर एस और स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो लिखते हैं तो पहली वैल्यू पहला करेक्टर प्रिंट हो जाएगा जो कि डब्ल्यू है। तो ये जीरो इंडेक्स कहलाता है, और एस के जीरो इंडेक्स पे हम कहेंगे कि डब्ल्यू है, फिर एस के वन इंडेक्स पे हम कहेंगे कि ई है। इसी तरीके से अगर आप वन के बजाय यहाँ पर सिक्स प्रिंट करवा दें तो सिक्स इंडेक्स पर मौजूद वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि ई है। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स इंडेक्स पर ई मौजूद है। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इंडेक्स जो है वो जितनी वैल्यू हमने दी है उसी के हिसाब से इंडेक्स एलोकेट होता है। तो अब यू आर वेलकम टू पाइथन के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे 100 इंडेक्स दे दूंगा तो एरर आ जाएगा। तो जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं के हिसाब से जो इंडेक्स हुआ हुआ है वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर किसी इंडेक्स को एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप एस जीरो इक्वल्स टू एफ रखते हैं तो यहाँ पे जो है वो डब्ल्यू की जगह एफ रिप्लेस हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास ये तीन डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल होता है और वो आप यूज कर लेते हैं।
मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ m, और उसमें मैंने 2.5 स्टोर कर लिया। तो 2.5 बेसिकली एक फ्लोटिंग नंबर है, और पाइथन खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि भाई 2.5 एक फ्लोटिंग नंबर है, तो लिहाजा m की जो डेटा टाइप होगी वो फ्लोट डेटा टाइप होगी। अब जब m को प्रिंट करेंगे तो 2.5 प्रिंट होगा। अलबत्ता ये कि जब आप टाइप ऑफ m प्रिंट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि m जो है वो एक फ्लोट डेटा टाइप। हमने एक और वेरिएबल बना दिया m, n, और n के अंदर m की वैल्यू ट्रांसफर कर दी, तो n में जो वैल्यू जाएगी वो 2.5 ही जाएगी। अगर आप प्रिंट करवाते हैं n को तो आप देखेंगे कि n भी जो है वो 2.5 है, और n की भी जो टाइप है वो फ्लोट ही है। अच्छा, आप अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग्स थोड़ी डिस्क्रिप्शन इसके साथ देनी है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m वैल्यू इस, और यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा यहाँ पे इस m को फ्लोट को, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा मैंने स्ट्रिंग लिखा है ना, इसको कॉन्केट कर देगा, तो आउटपुट पे आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा m वैल्यू इज 2.5। इसी तरीके से हम n की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। m का अगर हम डेटा टाइप लिखें कि एंड m डेटा टाइप इज, और कॉमा करके मैं लिख दिया टाइप m, तो ये m की वैल्यू के साथ साथ इसकी टाइप भी हमें प्रिंट करके दिखा देगा जो कि फ्लोट है। देखिए लिखा हुआ टाइप इज क्लास फ्लोट। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ कि n की डेटा टाइप जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने लिखा n वैल्यू इज, और आगे मैंने लिख दिया n, और फिर n आगे लिखा n डेटा टाइप इज n। तो आप इसको रन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि n जो है उसमें भी 2.5 है, और उसकी जो डेटा टाइप है वो भी फ्लोट है। अलबत्ता ये कि आपके पास कुछ पाइथन के अंदर फंक्शन होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिख दिया int, तो आप int लिखते हैं, और int लिखने के बाद उस int के अंदर जो है वो ये int built-in फंक्शन है, और आप ये कर रहे हैं कि m को जो कि float है integer में कन्वर्ट करके n में स्टोर करें, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक नई डेटा टाइप बन गई है, कार्ड टाइप कस्टिंग कहलाती है, कि float को integer में कन्वर्ट करवा दिया। n में जब फ्लोट आएगा तो n को इंटीजर है, लिहाजा उसमें 0.5.5 नहीं आ सकता, वो 2.5 जो है वो 2 में कन्वर्ट होके n में आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ आ रहा है कि n वैल्यू इज 2 एंड n डेटा टाइप इज क्लास इंटीजर। एक डेटा टाइप से जब दूसरी डेटा टाइप में जाते हैं तो वो टाइप कास्टिंग कहलाती है, और उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन हमें पाइथन में अवेलेबल है। जैसे हमने एक और वेरिएबल बना लिया o, और उसमें हमने किया ये कि जो n वेरिएबल है वो पास कर दिया, तो फ्लोट में जब n पास करेंगे तो वो n को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, और n में जो वैल्यू है वो 2 है, तो लिहाजा ये 2 को फ्लोट में जब कन्वर्ट करेगा तो वो हो जाएगी 2.0। तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि o वैल्यू इज 2.0, और o की जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। इस तरीके से आप इंट और फ्लोट का फंक्शन इस्तेमाल करके किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग जीरो से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए 0, 1, 2, 3 करके एक्सेस करता है। स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है, जिस तरह आई जे के कैरेक्टर है, ये 1, 2, 3 कैरेक्टर इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से स्पेस भी एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर्स होते हैं, इनका एस्की कोड होता है, तो स्पेस को भी एस्की कोड असाइन है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ss, और हमने किया ये कि ये जो हमारा वेरिएबल है o, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया। तो
कब होगा ये कि ये ओ जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और एस एस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब एस एस की जो वैल्यू होगी वो तो होगी जनाब टू, लेकिन वो टू एज एन स्ट्रिंग इसके अंदर होगा। आप देखेंगे कि इसकी डेटा टाइप ये स्ट्रिंग बता रहा है। अभी 2.0 को एक्चुअली हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था क्योंकि ओ जो है वो एक फ्लोटिंग नंबर था, तो ओ को हमने फ्लोट नंबर से स्ट्रिंग में टाइप कास्ट किया, लिहाजा वो 2.0। तो अब डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, और भी डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन मेनली यही ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। तो इसमें जो है वो चीज हमें ये ध्यान में रखनी होती है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके ऊपर उससे रिलेटेड ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब m जो है वो इंटीजर है तो m प्लस m करूंगा तो प्लस ऑपरेटर सम कर देगा, 2.5 प्लस 2.5 5.0 आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जो है वो m प्लस m मल्टीप्लाई बाय m कर देता हूँ तो फिर ये करेगा ये कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा फिर उसमें m प्लस कर देगा। तो आप जो इंटीजर है तो उस पर आप डिफरेंट ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे उस पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो अगर आपकी ऑपरेशन जो है वो किसी और डेटा टाइप पे अप्लाई करें, मिसाल के तौर पे अब स्ट्रिंग के ऊपर अगर मैं प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा तो वो अब सम नहीं करेगा, वो कॉनकैटिनेट करेगा, इन 2.0 को कॉनकेट या अपेंड कर देगा 2.0 के साथ। अगर SS कोई फ्लोट होता तो इसका रिजल्ट 4.0 आ जाता, लेकिन SS एक स्ट्रिंग है। फिर ये कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन इस पर हो ही नहीं, यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा कि भाई स्ट्रिंग के साथ आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्लस भी यहाँ पे सम नहीं है बल्कि कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर कहलाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है ये, बहरहाल इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिर ये जो नंबर्स हैं इनके आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आपने n प्लस प्लस लिखा तो देखें इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ रहा है, इसको अगर आप प्लस प्लस n कर देंगे तो ये चल जाएगा। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब नंबर्स होता है तो उस पर आप डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिंग है तो उस पर डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये प्लस प्लस ऑपरेटर अगर मैं स्ट्रिंग के साथ लगाऊंगा तो उस पर नहीं चलेगा। जो दो डेटा टाइप होती है तो उस डेटा टाइप के ऑपरेशन भी उसी के हिसाब से होता है, और वो ऑपरेशंस हम उसके ऊपर फिर अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर्स जो है उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन हो गई अबाउट डेटा टाइप्स। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा टाइप्स हैं वो यही हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। फ्लोट और इंटीजर्स के दरमियान भी आप ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीजर और फ्लोट के दरमियान। और इसी तरीके से स्ट्रिंग और फ्लोट के दरमियान भी आप ये काम कर सकते हैं। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये जो IPNYB फाइल है, IPYNB फाइल है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, .py फाइल भी शेयर कर लूंगा, परेशान ना, आप इसको फिर एग्जीक्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। अब बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं ये जो ऑपरेटर्स हैं आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अलाउड हैं वो इस्तेमाल हो जाए। जैसे अगर आप m प्लस n करते हैं तो अब m जो है वो फ्लोट है, n जो है वो इंटीजर है, तो क्या होगा भाई, तो जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट होगा 4.5। ये n को जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट करके प्लस कर देते हैं। अब
जरूरी नहीं है प्रिंट कराएं, आप एक नया वेरिएबल बना लें कि p इक्वल्स टू m प्लस n, n जो है वो इंटीजर है, m जो है वो फ्लोट है, तो p जो है वो फ्लोट बन जाता है और नतीजा ये होगा कि p के अंदर जो है वो जो वैल्यू है वो फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू होगी। अच्छा, इसी तरीके से आप जो है वो चाहें तो एक और वेरिएबल बना लें SSS और उसमें SS+M बनते हैं। अब SS जो है वो स्ट्रिंग है और M फ्लोट है, तो ये क्या करेगा कि दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और प्लस यहाँ पे जो है बाय द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, देखिए ये बता रहे हैं कि पाइथन जो है उसमें आप स्ट्रिंग को फ्लोट के साथ कॉन्केट नहीं कर सकते, आपको एम को एसटीआर में कन्वर्ट करके फिर उसको कॉन्केट करना होगा। तो चाहे मैं यहाँ पर फ्लोट इस्तेमाल करूँ या इंटीजर इस्तेमाल करूँ तो पाइथन यहाँ पे एरर दे देगा। तो आप एन और एम के साथ एसटीआर का फंक्शन इस्तेमाल करें और फिर उसको कॉन्केट करें, या फिर ये कि आप यहाँ कॉमा लगा दें तो फिर खुद ही वो जो है वो कॉन्केट करके आपको रिजल्ट बता देगा। अभी भी कॉन्केटिनेशन तो नहीं हुई है, कॉन्केटिनेशन करने के लिए आप SS+str और ब्रैकेट्स में n लिखेंगे तो फिर n को str में कन्वर्ट करके कॉन्केटिनेशन कर देगा SS के साथ। तो ये चीज और हमें इसे ध्यान में रखनी होती है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं और डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर आप डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रिंग में जो प्लस है वो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है और जब हमारे पास नंबर्स होते हैं तो वो सब की एज अ सम बिहेव कर रहा होता है या प्लस कर रहा होता है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के सेम ऑपरेटर्स डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं और अपन को इस्तेमाल करते हैं। ये जो टाइप कास्टिंग होती है हमारे पास, ये दो तरह की होती है। एक तो हमारे पास इम्प्लिसिट होती है, खुद ही हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिखता हूँ मैं वही नंबर की डेटा टाइप वेरिएबल को असाइन हो जाती है, नंबर जिस तरह का है। तो ये इम्प्लिसिट कास्टिंग है। एक्सप्लिसिट ये है कि जैसे भी आप कोई फंक्शन इस्तेमाल करके कास्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है 1+2 तो एक ही डेटा टाइप इंटीजर हो गई ऑटोमेटिकली खुद ही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है वो करता ये कि ए वेरिएबल बनाया उसमें 2 रखा और बी बनाया और बी में 2.5 की जो कास्टिंग होगी वो खुद ब खुद ही 2.5 हो जाएगी। ये फ्लोटिंग डेटा टाइप 2.5 जैसे फ्लोटिंग डेटा टाइप। अब सी में अगर मैं ए रखता हूँ तो सी की डेटा टाइप इंटीजर होगी। अच्छा, अगर मैं सी में बी रखूंगा तो सी में सी की भी डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगी। तो हम प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं कि किस डेटा टाइप की असाइनमेंट हुई है। जैसे टाइप आप चेक कर लें सी की, तो सी इंटीजर होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सी में जो है वो बजाय ए के बी रख दूँ तो बी जो है वो फ्लोट है, लिहाजा सी भी फ्लोट हो जाएगा। तो ये तो ऑटोमेटिक जो डेटा टाइप है वो असाइन हो रही होती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, ये डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल तो उस वेरिएबल की क्या डेटा टाइप है। अच्छा, आप देखिए ए बता रहा है गूगल प्ले कि ये टीजर है और इसकी वैल्यू 2 है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि आप फंक्शन इस्तेमाल कर लें इंटीजर का, फ्लोट का, स्ट्रिंग का और उसकी मदद से ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू को दूसरी डेटा टाइप में कास्ट कर लें, वो कहलाती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग है, जबरदस्ती आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में टाइप कास्ट कर रहे होते हैं, उसमें डेटा लॉस्ट भी हो जाता है। 2.5 को अगर मैं इंटीजर में करूंगा तो फिर वो 2 हो जाता है, डेटा लॉस्ट। ठीक है जी, हमारी जो डिस्कशन चल रही है वो वेरिएबल्स के ऊपर चल रही है, डेटा टाइप्स के ऊपर चल रही है, टाइप कास्टिंग के ऊपर हमारी कुछ डिस्कशन हुई है। आप देख रहे हैं कि पाइथन में जो कोड लिखते हैं कोई सेमी कॉलन वगैरह नहीं लगाते इसके अंदर। मैंने लिखा p इक्वल्स टू ट्रू, ये एक और डेटा टाइप है हमारे पास, उसको
बूलियन डेटा टाइप कहा जाता है। अगर आप प्रिंट करवाएंगे टाइप ऑफ बी, तो ये आपको बताएगा कि बी की जो टाइप है वो बूलियन है। ठीक है, बूलियन में आइदर या तो ट्रू स्टोर होता है या फॉल्स स्टोर होता है, और ये कंडीशन वगैरह के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई कंडीशन वगैरह इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे हम बूलियन डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे और भी ऑपरेटर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 5 + 5, तो 5 + 5 जो है वो बेसिकली उसका मतलब ये है कि ये प्रिंट करवा देगा आपको 10। तो 5 - 5 0 आ जाएगा। मैं लिखता हूँ 5 × 5, तो मेरे पास 25 आ जाएगा। मैं लिखता हूँ जनाब 5 / 5, ये मुझे 1 दे देगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे जो हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। इसके थ्रू आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे भी तो हमने कॉन्स्टेंट ही लिखे हैं। फिर इसी तरीके से कुछ हमारे पास लॉजिकल या कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, नॉट लेस देन इक्वल टू है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5 > 5, तो आप देखेंगे कि ये (5 = 5) लिखने की वजह से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास बूलियन में ग्रेटर, जो लॉजिकल ऑपरेटर है कंडीशनली बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करते हैं। तो 5 > 5 फॉल्स है। जैसे आपने लिखा 5 < 5, तो ये भी जाहिर है फॉल्स होगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 = 5 लिखना चाहता हूँ, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल्स टू यहाँ इस्तेमाल होगा और वो हमें बता देगा कि आइदर हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स है या ट्रू है। जाहिर है 5 = 5 ट्रू है, 5 > 5 इस्तेमाल होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, आपको बता देगा कि 5 ग्रेटर है या इक्वल है, तो इक्वल है लिहाजा 2 आ जाएगा। इसी तरह 5 < इक्वल टू भी आता है, आप किसी वेरिएबल दो वेरिएबल्स के दरमियान लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता देता है कि भाई ये लेस देन इक्वल इसके है कि नहीं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि हम जो है वो पाइचाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए मैं .py फाइल आपको भेजूंगा तो आपको पाइचाम का ओपन कर लीजिएगा। लेकिन मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के लिए जो ज़्यादा बेस्ट है वो गूगल को लैब है, क्योंकि तो इसमें आप पैरेलल प्रोग्रामिंग, कूडा बेस्ड प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें इसमें भी मैं आगे बताऊँगा आपको, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वरना फिर मशीन में आपको सारा इंस्टॉलेशन करनी होती है जुपिटर वगैरह ये वो, तो वो इशूज होता है। गूगल का लैब ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंस्टॉलेशन की फटिक से बच जाता है। बहुत सारे इसमें और भी फीचर्स हैं, तो वो जैसे जैसे हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो फीचर्स किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं। अच्छा, फिर ये कि अच्छा हमारी डिस्कशन चल रही थी जनाब डेटा टाइप्स के ऊपर, मैं आपको बता रहा था कि कंडीशन और लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो हमने जो है ये सारे ऑपरेटर्स 5 के साथ इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन नॉर्मली होता ही है कि यूजर से कोई नंबर वगैरह इनपुट लेते हैं और फिर हम ये काम करते हैं। तो इनपुट कैसे लिया जा सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं नॉर्मली इनपुट लेता हूँ तो मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ और फिर कहता हूँ कि वो इनपुट कर दो, लेकिन पाइथन में हमारे पास इनपुट का एक फंक्शन मौजूद है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं और उसी में हम टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे ये जो प्रिंट के अंदर आपने लिखा है अलग से जरूरत नहीं है, उसको आप
इनपुट के अंदर ही पास कर दें, तो ये खुद ही जो है वो प्रिंट कर देगा एंटर फर्स्ट नंबर, और जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो एक्स में स्टोर कर देगा। यानी अगर अभी मैं प्रिंट इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो भी नंबर में या जो भी चीज एंटर करूंगा वो एक्स में चली जाएगी। अगर आप एक्स को प्रिंट करवाते हैं तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम यहाँ पे जो है वो एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं कि भाई एक्स वैल्यू इज और कॉमा करके मैंने यहाँ एक्स लिख दिया। जब इसको रन करेंगे तो आपको इसका आउटपुट नजर आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू 12 है। लेकिन इसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ये जो इनपुट का फंक्शन है ना, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप इनपुट लेता है। तो अगर आप x की डेटा टाइप चेक करेंगे तो आपको अंदाजा ये होगा कि x की डेटा टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग है, हालांकि मैंने नंबर इनपुट किया। तो इनपुट जो है फंक्शन, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है। आप चाहते हैं कि भाई इंटीजर इनपुट ले, तो इस इनपुट को इंटीजर में हम कन्वर्ट करवाएंगे बाय यूजिंग इंटीजर फंक्शन। तो अब ये इंटीजर में कास्ट टाइप कास्ट होके हमें मिलेगा, तो 12 इंटर हुआ और वो जनाब फिर इंटीजर में कन्वर्ट होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होके एक्स में स्टोर होगा। अब अगर आप रन करते हैं इसे और इसका आउटपुट चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू है वो 12 है और x की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। ठीक है, अलबत्ता ये कि अगर मैं यहाँ कोई कैरेक्टर इनपुट कर दूंगा तो वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो एरर आ जाएगा। या तो ट्राई कैच लगा के इस एक्सेप्शन को एंट्री करेंगे, या फिर ये कि अभी तो खैर हम यहाँ पे लर्निंग ही कर रहे हैं तो इस चीज को मेक श्योर करें कि आपके को नंबर इनपुट ना हो, नंबर इनपुट हो स्ट्रिंग इनपुट ना हो, अदरवाइज वो इंटीजर में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, एरर देगा। एंड और ऑपरेटर भी इस्तेमाल होते हैं कंडीशंस के अंदर, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, अभी जो है वो मैं ये कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे हम दो नंबर यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। एक तो हमने एक्स इनपुट ले ही लिया है, तो हम यहाँ पे वाई भी इनपुट ले लेते हैं। और वाई जो है वो हम कहेंगे जनाब ये कि हमने लिखा एंटर सेकेंड नंबर, और सेकंड नंबर इनपुट लेने के बाद हमने किया ये कि दोनों नंबर्स को चेक किया, तो जो ऊपर हमने कोड लिखा था अर्थमेटिक और लॉजिकल कंडीशनल ऑपरेटर्स वाला, वही हम दोबारा यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं और x और y वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, और x और y वेरिएबल के अंदर ये सारी वैल्यूज दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि x और y का प्लस का ऑपरेशन क्या होगा, x माइनस y क्या होगा। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू हर दफ़ा डिफरेंट होगी जब भी हम इस कोड को रन करेंगे। अगर जो वैल्यू इनपुट करी है वो वैल्यू है कोई और वैल्यू है तो वो हमें खुद ही बता देगा। तो आप जब इसका आउटपुट चेक करेंगे तो मिसाल के तौर पे x की वैल्यू हमने 12 दे दी और y की वैल्यू हमने 15 दे दी, तो अभी हमें बताएगा कि भाई x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 15 है, तो नतीजे में क्या आउटपुट आ रहा है, 12 प्लस 15 क्या है, 12 माइनस 15 क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 15 क्या है, 12 ग्रेटर देन 15 है कि नहीं है, 12 लेस देन 15 है कि नहीं है, 12 इक्वल्स टू 15 है कि नहीं है, 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है कि नहीं है, 12 लेस देन इक्वल टू 15 है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के साथ। सही है, तो जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो भी वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर्स वगैरह पे हमारी डिस्कशन हुई है, इस पर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हम इस टॉपिक को यहाँ एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट से रिलेटेड है।